देना चाहें आप तो ये अब सवाल यही पैदा हो रहा है कि उसका डे वन जो था वॉज द एंड ऑफ अप टू द एंड ऑफ बर्तानिया देन रूलिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड नाउ अमेरिका तो दैट इज हिज डे टू डे थ्री इज के वेन ही हैज टू रूल फ्रॉम जरूसलम तो जरूसलम को अगर वर्ल्ड पावर बनाना है द लीडिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड तो अमेरिका को नीचे जाना पड़ेगा यूरोप को भी नीचे जाना पड़ेगा और ये सारी कहानी जो है कोरोना की और uh, एक आर्म और बिग वॉर और uh, मलहमतुलज्मा हमारी ज़बान में तो ये सब जो है वो इस विल लीड टू इसराइल रूलिंग द वर्ल्ड और इफ़ ही द जाल इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही इज़ इम्परसनेटिंग हज़रत ईसा सलासलम क्योंकि अल्लाह का वादा है हजरत ईसा से कि यू विल बी रूल द वर्ल्ड फ्रॉम इसराइल ठीक है तो इन ऑर्डर टू इम्पर्सनेट हिम ही हैज टू डू थिंग्स विच हजरत ईसा इज सपोज टू डू और अब आप ये कहेंगे कि है कहाँ है ना भाई यही सवाल है तो कहां होना चाहिए उसको तो टाइम जो है टाइम डोमेन जो है वो इस पैरल डोमेन से ठीक है अब उसकी एग्जाम्पल कुरान में कहा का है सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो अभी कोट की है मैंने साब कहफ़ कितने दिन सोए और तीन सौ नौ साल तो आप जब उठे थे तो उन्होंने आपस में क्या सवाल किया था कमला तुम है ना यौमन और बाद यौम अब 300 साल में उनके दाखूद कितने बड़े होने चाहिए थे बाल कितने बड़े होने चाहिए थे दाढ़ी कितनी बड़ी हो जानी चाहिए थी तो किस डायमेंशन में थे वो ठीक है एक मिसाल ये हो गई दूसरी मिसाल आई है एक नबी हैं कहते हैं अल्लाह तू इस बस्ती को दोबारा जिंदा कैसे करेगा एक सौ साल तक सुला देते हैं अल्लाह ताला उसको। उठते हैं जब वो उठते हैं तो वो क्या कहते हैं कम उनका जवाब भी यही है यो मनोबाजा यू ऐसा ही है ना भाई और अल्लाह ताला कहते हैं अपने खाने की तरफ देखो लम ये सौ साल में खाने पीने की चीजें खराब नहीं हुई है। Which dimension is it? This, that. हैं विच डायमेंशन इज इट दैट यहां फरिश्ते हैं कहिए हाँ हर एक के साथ दो तो वैसे ही हैं। और पता नहीं कितने हैं यार ये तुम्हारी चार्ज नहीं हो रही भाई वो उससे चल, उसका अलग है अच्छा तो और अपने गधे की तरफ देखो कैसे और किस तरह हम इसको जोड़े देते हैं दिखाया है नहीं दिखाया अल्लाह ताला ने फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई रातों रात, रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए आसमानों की सैर कराई वापस भी ले आए ठीक है रास्ते में दो काफले भी मिले रसोल्ला ने एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल भी किया पानी भी पिया एक किसी का ऊंट खो गया था तो एक काफले वालों को आवाज लगाई कि काफले वालों फला तुम्हारा ऊंट फलानी जगह है कैसी हो हो? कैसी हो हो? किस डायमेंशन में के एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में कम्युनिकेट भी हो रहा है हो रहा है नहीं हो रहा है फिर सबसे बड़ा हजरत ईसा कहा है किस टाइम डोमेन में है किस टाइम फ्रेम में है किस डायमेंशन में है देर आर मैनी मैनी पैरल यूनिवर्सिस एंड दोज यूनिवर्स कैन बी कम्युनिकेटेड टू जो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि जिन तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते है नहीं है तो ये, टा, टा, ये टाइम ये टाइम फ्रेम्स ये डायमेंशन क्या हैं क्यों बताई जा रही है असाब कहफ का वाकया क्यों सुनाया जा रहा है बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव हैं जो इससे अचीव हो रहे हैं ये कौन सा? अब फिर उसके बाद फिजिकल फॉर्म में भी उसने आना है फिजिकल फॉर्म में कब आना है रसुल्ला की हदीस सुनिए भाई आप उमरान बैतुलमकद खराब उतरेप खुरूज उलम खुरूज उलमलह फतह उलकुस्तनिया फतह उलकुस्तुनिया खुरूज उल्दज तो ये मलहमा जो है ये प्री है मलहमा किसको कहते हैं बहुत बड़ी जंग जिसको पहली आयत क्या है सूरत वो उसकी कहाव की बासन शदीदन लियूनजरा कईमन दूसरी आयत है सॉरी कईम लियन जरा बसन शदीदन मिल हो मेरी तरफ से आनी है वो और एक और हदीस में है कि कौन से दरिया से वो सोने का पहाड़ निकलना है फरात और तुम उसके करीब मुसलमानों से कहा तुम उस झगड़े में नहीं शामिल होना तो दरिया फराज से सोने का पहाड़ निकल आया भाई <laughs> लेकिन लिक्विड गोल्ड निकल आया उस एरिया से तेल, ठीक है? ये भी अगर सिंबोलिज्म में ले लिया जाए तो ऑलरेडी बीन डन बहिरा तब्रिया की आपको सी ऑफ गैलेली की हदी सुनाई थी मैंने और स्... अब आप दजाल जो है वो उसकी तमाम कार फरमाइयां जो हैं वो जारी हैं उसके मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं आप ये पूछ सकते हैं मोबाइल है ये है लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट उसी तक नहीं मारा जा सकता क्या <laughs> बिल्कुल याजूज माजूज का सबसे पहला जिक्र है कहाँ यही है ना नहाव में ही है ना है ना और लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते कि वो अभी रिलीज पता नहीं किस खो में है कहाँ है कहाँ नहीं है एक्चुअली रसुल्ला को ये ये भी दिखा दिया गया था कि याजूज माजूज भी रिलीज हो गए है. है ना जो वो हजरत जैनब के मकान में सो रहे थे और आँख खुली ही वो फ्लश रेड और उनके अल्फास के वाईलुल लिल अरब वाईलुल लिल अरब वाईलुल लिल अरब ओके uh, आज जो है वो इतना बड़ा सुराख हो गया है सद में ये सब ये विज़न दिखाया दिखा दिया अल्लाह ताला ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक है एंड दे कुड बी ट्रेस्ड बैक टू खाजर्स काफ के पीछे जो कॉम रहती थी कॉकसस माउंटेन जो है उसी से लफ्स कॉकेजन निकला है